बिहार DLED, कैसे ले DLED कोर्स में एडमिशन। DLED एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए कब है फॉर्म भरने की अंतिम डेट। कैसे करें DLED एग्जाम की तैयारी। DLED कोर्स करने के क्या है फायदे, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहार में सरकारी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है, क्योंकि आज हम आपको बिहार DLED से जुड़ी कई जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। DLED एक डिप्लोमा कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्स उनके लिए फायदेमंद होता है जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी क्लास के बच्चों यानी कि क्लास 1 से 5 तक के लिए पढ़ाने के लिए DLED कोर्स करना अनिवार्य है। इस कोर्स को करने के बाद TET परीक्षा देने के बाद ही सरकारी स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी क्लास के बच्चों के टीचर बनने के लिए DLED कोर्स करना कितना जरूरी है। आपको बता दें कि DLED कोर्स बिहार के कई सरकारी संस्थानों के अलावे प्राइवेट संस्थानों में भी कराया जाता है, जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर आप भी DLED कोर्स करना चाहते हैं तो सरकार ने शानदार मौका दिया है। बिहार DLED 2022-2024 में एडमिशन के लिए अप्लाई शुरू हो चुका है और अप्लाई करने की अंतिम तारीख 22 जुलाई 2022 है। इस परीक्षा को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए बिहार के 30,700 सीटों पर एडमिशन होगा, इसलिए यह बेहद सुनहरा मौका है। 22 जुलाई से पहले इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर पास होना जरूरी है। हालांकि आपको बता दें कि वैसे ही छात्र फॉर्म भर सकते हैं जो इंटर में कम से कम 50% अंक से पास हो, लेकिन SC ST और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को मिनिमम 45% अंकों के साथ इंटर पास होना जरूरी है। साथ ही अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 को 17 साल होनी चाहिए। प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी DLED 2022 के लिए secondary.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 24 जुलाई है, जिसके तहत जनरल, OBC व EWS कैटेगरी को ₹960 लगेंगे, जबकि अन्य आरक्षित वर्ग को ₹760 जमा करने होंगे। चलिए जानते हैं परीक्षा के पैटर्न को। पहली बार ऐसा हुआ है कि DLED के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है, यानी कि जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें इसी एंट्रेंस एग्जाम के नंबर के आधार पर एडमिशन होगा। इस बार 54 सरकारी और 252 प्राइवेट कॉलेज की कुल 30,700 सीटों पर एडमिशन होगा। हालांकि सरकारी कॉलेज में कम रुपए में ही एडमिशन हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम 1.5 लाख तक भी लग सकते हैं इस 2 साल के कोर्स में। बता दें कि एडमिशन मेरिट लिस्ट के बेस पर ही होगा। एंट्रेंस एग्जाम कुल 150 सवाल आएंगे, जो कि 450 अंकों के होंगे। सारे प्रश्न MCQ ही होंगे। हर सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, जबकि 1 गलत आंसर के लिए 1 नंबर काट लिए जाएंगे। इस परीक्षा की तैयारी कम समय में करना है तो बेहतर होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस करें। अब जानते हैं कि बिहार DLED करना आपके लिए फायदेमंद क्यों रहेगा। सबसे पहले तो बता दें कि DLED कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है जो प्रोफेशनल कैटेगरी में आता है। प्रोफेशनल कैटेगरी के कोर्स अक्सर जॉब लेने में मदद करते हैं। इस कोर्स में प्राइमरी क्लास के शिक्षक बनने के लिए जरूरी चीजों को पढ़ाया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए DLED कोर्स करना अनिवार्य है। इस डिग्री के बिना अगर TET पास भी कर जाए फिर भी सरकारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, इसलिए प्राइमरी टीचिंग लाइन में जाने के लिए यह कोर्स जरूरी है। इतना ही नहीं, आजकल प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए DLED या फिर BED किए हुए अभ्यर्थियों को ही जॉब दिया जाता है, इसलिए अगर आप यह कोर्स करते हैं तो यह हर तरह से फायदेमंद भी रहेगा। तो चलिए, आपको बिहार DLED से जुड़ी जानकारी कैसे लगी वह हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।